जयपुर से बता रहे हैं, दरअसल प्रदेश में कई जिलों के एसपी बदले गए हैं। राजधानी के नए एसएसपी अजय यादव होंगे। प्रशांत ठाकुर को दुर्ग की कमान मिली है। आरिफ शेख को ईओडब्ल्यू एसबी का चार्ज मिला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, प्रदेश में कई जिलों के एसपी बदले गए हैं। राजधानी के नए एसएसपी अजय यादव होंगे। प्रशांत ठाकुर को दुर्ग की कमान मिली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी के एसएसपी अजय यादव अब से होंगे, क्योंकि प्रदेश में कई जिलों के एसपी बदले गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, रायपुर से कई जिलों के एसपी बदले गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ स्वरा संस्था हेमंत शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हेमंत, कई जिलों के एसपी बदले गए हैं, कौन कौन से जिले शामिल किए गए हैं जहां पे तबादले हुए हैं? देखिए, राजधानी रायपुर की कमान दुर्ग एसएसपी अजय यादव को दी गई है। इसके अलावा जो रायपुर एसएसपी आरिफ शेख, उनको ईओडब्ल्यू और एसीपी का की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा और बात की जाए तो बलौदा बाजार के एसपी प्रशांत ठाकुर को दुर्ग एसपी बनाया गया है। इसके अलावा लंबे समय से ईओडब्ल्यू एसपी रहे कल्याण एलिसेला को बलौदा बाजार का नया एसपी बनाया गया। इसी तरीके से कई और जिलों में यहाँ पर सरकार ने बदलाव किए हैं। इसके अलावा जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है मोहन मरकाम, उनकी नाराजगी के बाद कोंडागांव एसपी को बदला गया है। उन्होंने बीच में कुछ शिकायत तो उनके लेकर भी की थी, उसके बाद उनको बदला गया है। तो इस तरीके से कई जिलों में बदलाव हुआ है। इसके अलावा जो रायपुर एएसपी हैं पंकज चंद्रा, उनको ईओडब्ल्यू और एसीबी का एसपी बनाया गया है। इसके अलावा आजाद चौक जो सीएसपी थे सुनील शर्मा, उनको सुकमा का नया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। तो इस तरीके से कई जो जिलों में बदलाव हुआ है। इसके अलावा जो सीएसपी हैं यहाँ पर अभिषेक माहेश्वरी, उनको प्रमोट करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राइम रायपुर की जिम्मेदारी दी गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हेमंत। बुलेटिन में पाएंगे कुछ और खबरों के लिए, देखते रहिए इस पर।